माय चैनल, मैं हूँ अंकिता और ये है आदिश्री। सो आज मैंने और आदिश्री ने सोचा, हमारा डिनर विनर सब हो गया है और हम दोनों ने सोचा कि आज हम दोनों मिलके बनाते हैं मफिन्स, जिसे आदिश्री कहती है बनाना मफिन्स, जिसे आदिश्री कहती है कपकेक। बट हम कपकेक नहीं बना रहे, कपकेक यानी कि आप उसके ऊपर कुछ आइसिंग कर रहे हो और सब कुछ, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे, हम सिर्फ बना रहे हैं बनाना कपकेक मफिन। सो शुरू करते हैं, बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, हो सकता है कि हम थोड़ा इधर उधर दौड़ने भागने में रेसिपी बड़ी हो जाए, लेकिन रेसिपी बहुत शॉर्ट है, बहुत इजी है, बहुत जल्दी बन जाएगी और आपको बहुत मजा आएगा। ओके सो हम स्टार्ट करते हैं। ओके सो आदिश्री चुकी है यहाँ पे और इसलिए मैं शायद फ्रेम में से थोड़ी सी कट रही हूँ, लेकिन आई होप ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा। सो आपको लेना है एक मिक्सर का जार और हम बना रहे हैं चुकी कौन सी मफिन्स, बनाना मफिन्स, तो इसलिए हमें चाहिए बनाना। तो मैंने यहाँ पे तीन बनाना तीन केले लिए हैं और आपको ये केलों को मिक्सी के अंदर डालना और बाकी जो चीजें डालनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो पहले मैं डाल लेती हूँ इन केले को मिक्सर के अंदर। ये हो गए हमारे केले इसके अंदर। अब हम इसमें डालेंगे हाफ कप दूध, ये गया हाफ कप दूध और ये रही शक्कर, ये भी हाफ कप के करीब शक्कर लिए। आप चाहें तो गुड़ का पाउडर भी इसके अंदर डाल सकते हैं, मेरे पास अभी नहीं है सो मैं शक्कर डाल रही हूँ, वरना मैं यूजुअली यही करती हूँ कि गुड़ का पाउडर डाल देती हूँ, यानी कि गुड़ वाली जो शक्कर होती है वो भी सेम काम करती है और शक्कर से ज्यादा हेल्दी भी होती है। ओके सो अब हम इसके अंदर डालेंगे विनेगर, मैं यहाँ पर करीब हाफ टी स्पून विनेगर इसके अंदर डाल रही हूँ। उसके अलावा आपको एक और चीज डालनी है और वो है वेनिला एसेंस। वेनिला एसेंस से स्वाद बहुत अच्छा आता है और बनाना के साथ वेनिला का जो फ्लेवर होता है वो बहुत अच्छा लगता है, तो ये भी मैं करीब ना 1 टीस्पून के लगभग ये भी डाल दूंगी। ओके सो जितने भी हमारे वेट इंग्रेडिएंट थे वो सारे हो गए। अब मैं इसे मिक्सी में चला लूंगी, तब तक मैश करूंगी जब तक सारी चीजें आपस में अच्छी तरह से मैश नहीं हो जाती। सो ये पूरा मैश हो गया है, जो भी जितने भी सारे इंग्रेडिएंट हमने इसमें डाले थे, अब हम हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट को डाल लेते हैं। ओके सो ये है 1 कप + 1/2 कप आटा, यानी पहले मैंने 1 कप अलग लिया और 1/2 कप अलग लिया, सो ये 1 कप 1/2 कप आटा है, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अब चाहो तो मैदा भी ले सकते हो बट मैं आटा यूज करती हूँ। सो ये रहा आटा, अब हम इसमें डालेंगे, आदिश्री डालेगी। ओके क्या डालेंगे अब हम इसमें, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डालो डालो डालो। ओके डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून, लो डालो। वेरी गुड, आई लव इट। और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे एक बार, फिर इसमें डालेंगे हमारे ये वाले इंग्रेडिएंट्स। यस धीरे धीरे से मिलाना है, बहुत ज्यादा चम्मच को घुमाने की जरूरत नहीं है, आई होप आपको दिख रहा होगा। मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ी सी किशमिश और थोड़ी सी ऊपर टॉपिंग में यूज करूंगी। सो ये अब अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1/3 कप ऑयल, ये आपको सबसे आखिरी में डालना है। मूंगफली के तेल के अलावा आप जो तेल चाहें वो इसमें डाल सकते हैं।
हमारा जो बैटर है वो रेडी हो गया है और अब हम सबसे इम्पोर्टेंट काम करने वाले हैं और वो है इस बैटर को बेक करना, मफिन्स को बेक करने का। सो मैं यहाँ पे ओटीजी का यूज कर रही हूँ। अगर आप कुकर में चाहें तो आप कुकर में भी बना सकते हैं। मैं हर बार अपनी हर बेकिंग वाली रेसिपी में कहती हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ ये कि कुकर में बनाएंगे तो सीटी हाथ से निकालिएगा, दूसरी बात नीचे बेस में नमक रख दीजिएगा तो काफी अच्छा रहता है। अगर नहीं भी रखना है तो भी चल जाएगा, आप सेम चीज कढ़ाई में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर अभी फिलहाल में अदीशी, क्योंकि हमारा ओटीजी जो है वो अभी प्रीहीट हो रहा है, सो अदीशी ने यहाँ एक बहुत अच्छी चीज कर दी है। ये अदीशी ने सब जमा दिए। सो ये रेडी है और हमारा ओटीजी भी रेडी है, तो अब हम इसे ओवन में रख देते हैं 180 डिग्री पे। करीब 25 मिनट के लिए रख रही हूं मैं, और प्रीहीट किया था 10 मिनट्स के लिए। बहुत अच्छी बनी, एकदम सॉफ्ट बनी, अभी हमने खाई नहीं क्योंकि थोड़ी गर्म है। और इतने बैटर में इस साइज की मेरी टोटल 12 मफिन्स बनी है, तो बढ़िया है। मतलब 12 मफिन्स बहुत है, और मैंने ना एक्चुअली थोड़ा ज्यादा ज्यादा भर दिया, जिसका मुझे बाद में लगा अगर आप चाहें तो थोड़ा कम कम भरेंगे तो आई थिंक और ज्यादा भी बन जाएगी, क्योंकि वो फूलने के बाद बहुत सारा होता है। जैसे ये वाली एकदम प्रॉपर बनी है तो इस तरह से है, तो ये एकदम रेडी है। आप भी अपने घर पर बनाइए, खाइए और हमें बताइए कि आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो वो बोलेंगे ना। ओके गाइस, सो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट ब्लॉग के वीडियो में हम फिर मिलेंगे और किसी रेसिपी के साथ और ढेर सारी बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।